एक बात मैं बता दूं, अभी मैं सफर में था लाहौर में, वो लड़का नहीं जिसको मौलाना तारिक मिल साहब ने मुसाफे से पीछे तक, वो मुझसे मिला तो उसने वो जो वजाहत की, वो मेरा अखलाकी फर्ज बनता है कि वो मैं आपको बता दूं। उसने कहा कि वो मौलाना जब मुझे पीछे धकेला है, वो वीडियो बन गई, उसके फौरन बाद मौलाना मुझे, मौलाना को नहीं पता था वीडियो बन रही है, तो मौलाना को खुद ये था कि अभी रश की वजह से मैंने इसको पीछे कर दिया, फिर बाद में मौलाना ने मुझे बुलाया और मुझसे काफी देर बैठ के बातचीत की, हाल अहवाल पूछे। तो यहां मुद्दई सुस गवाह चुस्त, वीडियो बनाने वाले ने उनको बदनाम कर दिया कि देखो ये गरीब को कैसे धकेल रहे हैं। तो और जो है वो, अब जाहिर है ये बात तो सामने नहीं आई ना, तो बाज दफा बदगुमानी होती है इंसान को। मैं नहीं कह रहा कि मौलाना कोई फरिश्ते हैं या कोई गलती नहीं हो सकती या कुछ भी वो करें तो हमने वो उसको सीधा करने का ठेका लिया हुआ है, ऐसा नहीं है। वो भी इंसान है, इंसान सही भी चलता है, गलतियां भी होती हैं, लेकिन बाज चीजें मीडिया की शरारतें होती हैं, बात चीजें मीडिया की। तो वो बंदा मुझसे अभी लाहौर में मिला है, कह रहा है मौलाना ने मुझे ऐसे किया था और उसके बाद मौलाना ने मुझे अलग से बुलाया और काफी टाइम दिया मुझे। मेरे साथ भी बदखला, मैंने भी बदखलाकी की दो लड़कों से इस मस्जिद में, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहे। मैं बहुत उस दिन टेंशन में था, मुलाकातें तो दो लड़के आए तो मैंने उनको तबीयत से सुना दी थी, फिर मुझे एहसास हुआ यार ये ज्यादती हो गई है, तो मैंने बहुत तलाश किया, वो मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ गए। अब वो भी इमेज जाके हो सकता है खराब करें कि देखो मुफ्ती साहब जो है ना डांट दिया था हमें। तो अब 100% ना हर आदमी हर वक्त एक जैसी हालत में होता है, और मैं तो इसलिए तलाफी नहीं कर रहा था कि ये मुझे बदनाम करेंगे, मुझे क्या, मुझे ऐसे नहीं था, मुझे ये था कि ये बेचारे मोहब्बत में आए थे, ठीक है ना, कि टाइम लिए बगैर आए, फिर जो है ना आदमी एकदम मुसल्लत होने लगता है तो फिर आदमी को गुस्सा आता है। वो मुसल्लत भी नहीं हो रहे थे, मुझे तो गुस्सा वैसे ही आया हुआ था। तीन बीवियों तो वैसी खाम खामे बाज दफा गुस्सा इस पर आ रहा होता है कि तीन क्यों है, क्यों की मैंने ये बाद दफा इसलिए आ रहा होता है, बाद दफा और भी बहुत सारी, मैं नहीं कह रहा मुझे इसलिए आ रहा था, लेकिन हो सकता है। तो घर वाले भी सुन रहे होते हैं, असल में मुझे बहुत हर तरह से सेफ साइड, सेफ तरीके से चलना पड़ता है, कोई ऐसी बात ना हो जो किसी के खिलाफ हो जाए। एक साला का तो आपको वाकया मैंने सुना दी, और भी साले हैं वो सब दुश्मनी पे ना उतर आए ना। मरकज़े दीनो ईमान, मरकज़े दीनो ईमान, मरकज़े दीनो ईमान, मरकज़े दीनो ईमान।